नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शहनाई टोन मॉडिफिकेशन। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं शहनाई टोन मॉडिफिकेशन। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर जूम करके, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों, अगर आपको सही से ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं एक एक ऑप्शन को बोल के बता दूँगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टोन वाले बटन पे यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ से टोन सेलेक्ट करना है 548। दोस्तों, ये है शहनाई टोन और इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जी दिख रहा है। दोस्तों, इसका मतलब है जीएम टोन कैटेगरी का टोन है। और इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे कैटेगरी पे बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कैटेगरी जीएम टोन है और यह है शहनाई जी, जिसका टोन नंबर है 548। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टोन को मॉडिफाई करके मैंने अपने एक बैंक में स्टोर करके रखा हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। दोस्तों, मैंने यहां पे सेव करके रखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं 2-3 लिख के आया है, 2-3 आप देख सकते हैं दोबारा से। इसका मतलब होता है दूसरे रजिस्ट्रेशन के थर्ड बैंक में मैंने अपने इस सॉन्ग को स्टोर करके रखा हुआ है और मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले टोन वाले बटन को प्रेस करके यहां से 548 नंबर टोन सेलेक्ट कर लेना है, 548, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपको फंक्शन वाले बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पे आप 3 नंबर बटन को प्रेस करके और आगे चलेंगे और आगे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 11 नंबर पे रिवर्ब। दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे नीचे देख सकते हैं प्लस वाला बटन है, इसको प्रेस करना है। और दोस्तों, और आगे आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको मिलेगा 19 नंबर पे डिले 2। और यहाँ पे आपको दोस्तों 6 नंबर की को प्रेस करके इसे एंटर कर लेना है, और जो कि एंटर हो चुका है। और इसके बाद आप फिर से 3 नंबर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा चोरस। दोस्तों, आप यहाँ पे चोरस को प्लस का बटन प्रेस करके 1% आगे कर लेंगे, 2 नंबर पे रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे चोरस 2 कर दिया हमने और यहाँ पे इसका नाम है चोरस 1। और दोस्तों, इसको क्या करेंगे, आप टोन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप फिर से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने 548 नंबर टोन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। और दोस्तों, अब आप प्रेस करेंगे यहाँ पे लेयर ऑप्शंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले बटन को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे लेयर। और दोस्तों, यहाँ पे आप टोन सेलेक्ट करेंगे 188188। दोस्तों, ये आपका स्लो स्ट्रिंग 1 है, इसको आप यहाँ पे टोन लेंगे। और दोस्तों, अब लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या करेंगे, स्प्लिट वाले बटन को प्रेस करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड के लिए यूज करते हैं हम। और यहाँ पे आप टोन रखेंगे 151151, ये टोन नंबर रखेंगे आप, ये हो गया हमारा स्प्लिट ऑप्शन के लिए। तो दोस्तों, इस टोन को एक बार चेक करते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टोन आपको प्रोड्यूस हो रहा है। और दोस्तों पिछला वीडियो मैंने बनाया था हारमोनियम टोन मॉडिफिकेशन, जिसमें मैं ये बताना भूल गया था कि आपको इस टोन को मॉडिफाई करके एडिट करने के बाद इस टोन को आप यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको स्टोर वाले बटन को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जिस बैंक में आपने सेव कर रखा है उस वाले बटन को आप यहाँ से प्रेस कर देंगे, तो ये आपका स्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे करके देखें, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा टोन। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कुछ नया। धन्यवाद दोस्तों।